Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन द पी एन स्पोर्ट्स। एंड शुरुआत करते हैं हम आज की अपडेट से, ओलंपिक के इवेंट से, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा इवेंट, आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स के फील्ड में वर्ल्ड वाइड जो है सबसे बड़े इवेंट के रूप में जाना जाता है। करीबन 2 हफ्ते अब रह गए हैं ओलंपिक इवेंट को होने के लिए, और एक बड़ा अपडेट, बल्कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इसे हम कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कंट्री के थ्रू जो कि जापान ऑर्गेनाइज करने वाला है, टोक्यो में ये ओलंपिक होने हैं। तो एक पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि जहाँ पे होम क्राउड को अलाउ किया जा रहा था ओलंपिक इवेंट्स के दौरान उन मैचेस को देखने के लिए, उन इवेंट्स को देखने के लिए, लेकिन अब जो है एक आधिकारिक स्टेटमेंट दिया है आईओसी की तरफ से और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग कंट्री की तरफ से, कि उन्होंने कहा है कि अब जो है किसी भी तरह का क्राउड अलाउ नहीं किया जाएगा कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स, और कोविड-19 जिस तरह से फैल रहा है उस तरह से, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले और कल ही बल्कि दो सदस्य जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो इस एक डर की वजह से अब जो है जापान में या टोक्यो में जो ओलंपिक होगा उसमें किसी भी तरह का क्राउड अलाउ नहीं होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा अपडेट, ISL के एक जो फुटबॉलर हैं इंडियन सुपर लीग में जो खेलते हैं, हैदराबाद FC ने जो है साइन किया है मुंबई सिटी के जो FC के जो खिलाड़ी हैं। पिछले साल जो है मुंबई सिटी FC विनर रहा था ISL का, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपनी जो नाइजीरियन फुटबॉलर है, 36 ईयर ओल्ड हैं, जो कि बैर्थोलेम ओगबेचे जो हैं उनको साइन किया है हैदराबाद FC ने, और अगले एक साल के लिए बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है हैदराबाद FC के साथ। और विमल्डन की तरफ हम बढ़ते हैं। विमल्डन में जो एशले वार्टी हैं वर्ल्ड नंबर 1 जो है, वो पहला विमल्डन जो है वो फाइनल खेलने जा रही हैं, और वो फेस करेंगी कैरोलिना लिस्कोवा को जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। तो दोनों का, एशले वार्टी जो कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं, इन दोनों का जो फाइनल मैच जो है सैटरडे को होना है। तो ये एक बड़ा इवेंट विमल्डन में होने वाला है। साथ ही साथ मेंस के मैं कोई अपडेट ऐसा नहीं है, क्योंकि 4 जो है सेमीफाइनलिस्ट जो है अब सेमीफाइनल्स आज से स्टार्ट होंगे, तो वो 4 नोवाक जोकोविच के नाम से जो है सबसे बड़ा नाम उसमें शामिल है। तो ये 4 जो खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो मेंस सिंगल्स भी जो है अब ऑलमोस्ट आखिरी कगार पे हैं, 3 मैचेस अब रह गए हैं 2 सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर। एक बड़ी खबर जो है वो आपके लिए है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कुछ दिन पहले थोड़ा सा इसको फेम में आया था, और जो है गौतम गंभीर का जो कि पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और साथ ही साथ अभी सांसद भी हैं दिल्ली में, तो उन्होंने जो है कुछ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कुछ रिपेयर करने के लिए या कुछ मॉडिफाई करने की बात कही थी, और हाँ जो है अब उन्होंने साफ किया, क्योंकि कई लोगों की प्रतिक्रिया आई थी इसके ऊपर कि उसको क्रिकेट पिच में बदला जा रहा है, क्रिकेट फील्ड में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि यमुना स्पोर्ट्स क्लब आर्चरी का ऑलमोस्ट आपको बता दूं कि एशिया का बहुत बेहतरीन एक वेन्यू माना जाता है, जिसमें कि वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स भी कराए जाते हैं। तो इस तरह की कयास लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क्रिकेट फील्ड में तब्दील करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके विरोध में कई कोचेज भी सामने आए, और साथ ही साथ बड़ा नाम जो कि वर्ल्ड नंबर 1 जो आर्चर हैं भारत की तरफ से दीपिका कुमारी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के बाद गौतम गंभीर ने एश्योर किया है कि इस तरह का कोई भी ऐसा जो है वो कन्वर्जन जो है क्रिकेट फील्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, बल्कि वो आर्चरी के रूप में ही उसको और डेवलप करके उसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। उसके अलावा जो है वो आखिरी खबर मैं इसको क्रिकेट से दे दूं आपको, जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है, जिसमें इंग्लैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया है। आगे भी इस तरह के अपडेट्स आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।